गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी। कल शाम को हम लोग लेट पहुंचे, इसलिए काफ़ी कुछ आपको हम दिखा नहीं पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। और सुबह मैं निकला हूं अपने होटल से आपको ये ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन कोई भी दुकान अभी खुली नहीं है, ना कोई बाहर निकल रहा है। और अकेला मैं और मेरे साथ मेरा पिलियन दिवाकर, हम दोनों टूर पे निकले हैं पैदल ही, ताकि आपको यह नज़ारा दिखा सकूं। तो ये देखिए मुंशियारी का बस स्टैंड, और बस स्टैंड के पास ही एक होटल है पांडे लॉज, उसमें हम लोग रुके हुए हैं। और चारों तरफ बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ के लोगों का लाइफ कितना पैथेटिक है, क्योंकि बर्फ़ को क्लियर करना पड़ता है उन्हें खुद, प्रशासन इसमें बिल्कुल हाथ खड़े कर लेती है। और अभी हम चाय पियेंगे, थोड़ी ब्रेकफास्ट करेंगे कुछ, और फिर हम निकल चलेंगे टूर पे मुंशियारी में, कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं। हालांकि हर जगह एक्सेसिबल नहीं है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, तो जहाँ तक हम जा सकते हैं आज हम जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं खलिया टॉप के लिए, बल्कि खलिया टॉप तरफ के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि खलिया टॉप हम जा नहीं सकते हैं, इतनी हेवी स्नोफॉल हुई है। तो खलिया टॉप क्या खलिया द्वार तक भी हम पहुँच नहीं सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो हम जाएंगे जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और फिर आज ही हम मुंशियारी में जो एक फेमस टेम्पल है नंदा देवी टेम्पल, वहाँ भी जाएंगे। तो ये हमारा आज का 2 प्लान है। इसके अलावा और जहाँ जहाँ पे हम जा सकते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं खलिया टॉप के तरफ, और हमारे जो को राइडर्स हैं एज यूजुअल पहले भाग गए हैं, और हमारे साथ है हमारे पीछे बैठा हुआ मेरा पिलियन दिवाकर। तो आगे का हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो रोड तो क्लियर किया जा चुका है, बट दोनों तरफ काफ़ी हेवी स्नो है, और सामने वो देख रहे हैं स्नो क्लेड माउंटेन पीक्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। सो गैस, कल हम लोग मुंशियारी लेट पहुँचे थे और अंधेरा हो चुका था, तो काफ़ी कुछ हम आपको दिखा नहीं पाए। ब्रदर, खलिया टॉप के लिए कौन सी रास्ता जाएगी, राइट या लेफ्ट? चलिए यहाँ से हमने राइट ले लिया, और ये रास्ता जाती है सीधा खलिया टॉप के तरफ। आई एम नॉट सेइंग कि खलिया टॉप को जाती है, क्योंकि खलिया टॉप हमें जाना नहीं है। तो खलिया टॉप के तरफ जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। और एज यूजुअल जैसा कि मैंने बताया था, हमारे पिलियंस पता नहीं आगे इस रास्ते पर निकल गए या किसी और रास्ते पर चले गए। और ये देखिए बर्फ़, इतना बर्फ़ है, और रास्ता भी काफ़ी स्लिपरी हो चुका है, और मेरे साथ पिलियन भी है, तो थोड़ी सी मुश्किल है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है सामने माउंटेन, इसीलिए यही कारण है कि लोग मुंशियारी आते हैं। और मुंशियारी जो आने का है टूरिस्ट के लिए, वह किसी भी सीजन में आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप विंटर में आ सकते हैं, आप समर सीजन में आ सकते हैं, और रेनी सीजन में थोड़ी सी खतरा रहती है बिकॉज देर इज लैंडस्लाइड प्रॉब्लम। और यार यहाँ के प्रशासन की भी दाद देनी पड़ेगी, इतनी हेवी स्नोफॉल हुई है फिर भी रास्ता क्लियर करने में लगी हुई है। ये सामने देख रहे हैं जो गाड़ी, यह रास्ता क्लियर करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और जब आप मुंशियारी आते हैं तो समर में तो आप आते ही हैं, बट एक बार जब बर्फबारी हो रही होती है या बर्फबारी हुई होती है तब जरूर आए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अभी देखिए दोनों साइड में बर्फ है और रास्ते के ऊपर भी बर्फ है, और बाइक चलाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और बहुत और यस, और आगे एक मंदिर दिख रहा है आपको, तो यस इस मंदिर तक तो आने के लिए लोगों ने एडवाइस दिया था कि आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के आगे देखते हैं रास्ता कैसा है। रास्ता तो ठीक ठाक लग रहा है यार, और हमारे दोनों पार्टनर्स का कहीं कोई अता पता नहीं है, पता नहीं इस रूट पे आगे गए हैं या फिर किसी और रूट पे चले गए हैं। मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ फिर कॉल भी नहीं लग रहा है। और सामने देखिए पता नहीं चल रहा है कि वो सफ़ेद कलर का वह कोई बिल्डिंग है या फिर बर्फ है, क्योंकि जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं सबके छत पे बर्फ ही बर्फ है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और अभी कुछ भूख भी लग चुकी है क्योंकि सुबह हम सिर्फ 2 ब्रेड खा कर निकले थे। और आप देख पा रहे होंगे बाइक चलाने में कितनी परेशानी हो रही है, और मेरे पीछे दिवाकर भी बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है बाइक चलाने में। बट अगर आप एडवेंचर करते हैं एंड यू लव एडवेंचर, तो परेशानी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एडवेंचर।
तो जब परेशानी ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता है कुछ। ये रास्ता कहाँ तक खुला हुआ है? आगे दो बाइकर्स गए हैं ना? हाँ, तो खलिया टॉप इसी रास्ते में है ना? हाँ, तो देखते हैं, हमारे दो बाइकर्स भी आगे गए हैं, वहाँ से वापस हो लेंगे। यहाँ क्या क्या खाने को मिलता है? ऑमलेट नहीं, आकर खाता हूँ, ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा यहाँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे बाइकर्स का अभी भी कोई अता पता नहीं है। इस लड़के से मैंने पूछा कि क्या उसने उन्होंने उन लोगों को जाते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो ये बता रहा है कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है उन लोगों को। और यहाँ खाने को भी कुछ मिलता है, और अभी देखिए कितना बुरा हाल है रास्ते का। दिवाकर भी उतर कर आगे जा रहा है, और वाकई पूरा बर्फ़ी बर्फ है, और बाइक चलाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। अरे अरे, स्लिप कर रहा है, दिवाकर पकड़ना जरा पीछे से। तो बाइक स्लिप कर रही है यार। ओह, पता नहीं, आगे तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। चलिए, जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक तो चलेंगे, और ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है, बट एक यहाँ पर एक गाड़ी तो दिख रही है। एक पता भी नहीं चल रहा है कि कभी रास्ता भी था यहाँ पे, और हालांकि स्नो काफ़ी क्लियर किया हुआ है, फिर भी रास्ते पे इतना स्नो है, ब्लैक आइस है, इसके वजह से बाइक काफ़ी स्लिप हो रहा है। और मैं चेन भी नहीं लगाया है टायर में, इसके वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑफिस है, शायद वन विभाग का कोई ऑफिस है, लेकिन यह बंद पड़ा है बर्फबारी की वजह से, तो इन लोगों ने ऑफिस शायद कहीं शिफ्ट कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आगे बाइक लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाइक मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम वापस होते हैं, और हमारे पार्टनर्स भी अभी तक पहुँचे नहीं हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि उनका वेयर अबाउट्स क्या है। तो अभी थोड़ा आगे जाकर फिर हम वापस यहाँ से हो लेंगे, और फिर हम वापस जाएंगे नंदा देवी टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है, और फिर अपने पार्टनर से भी रास्ते में मिलने की कोशिश करेंगे, कि जाने की कोशिश करेंगे वो है कहाँ आखिर। सो फ्रेंड्स, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो पाई थी, और हम वापस हो चुके हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पंचाचोली पीक का, और हम अभी वापस जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल की तरफ। तो अब रास्ता थोड़ा सही मिल गया है, और अगर रास्ता सही है, भले कितना भी पतला हो, भले ही कितनी बर्फबारी हुई हो, बट रास्ता अगर क्लियर है तो हमें बाइक चलाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। बट रास्ते पे अगर बर्फ है, ब्लैक आइस है, कीचड़ है, तो थोड़ी परेशानी होती है। तो अब हम ठीक उसी मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, और कहीं आगे रुककर हम देखेंगे कि हमारा पार्टनर आखिर है कहाँ, वे लोग कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर तो आए नहीं है। बिकॉज जहाँ तक मोटरेबल था वहाँ तक मैं गया था, और उसके आगे बिल्कुल रास्ता बंद था, तो वहाँ तक तो वो पहुँचे नहीं थे। और ये देखिए, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, हालांकि बर्फबारी के टाइम में। अच्छा, देखिए वो हमारे पार्टनर्स वापस फिर आ रहे हैं इधर ही। अरे कहाँ थे आप? मैं तो वहाँ से वापस हो लिया। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, आप लोग बढ़ो आगे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओके, आपको किसी से पूछना चाहिए था, गलत रास्ता आपने ले लिया। ओके फाइन, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ो, और मैं भी अपनी बाइक को मोड़ता हूँ, आपके पीछे पीछे चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम अपने बाइक को एक ढाबे के पास हमने खड़ी कर दी है, और फिर हम पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाइक लेकर आना संभव नहीं है। ये देखिए, सब एंजॉय कर रहे हैं।
ये स्वराज भाई रास्ता क्लियर करने लगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई अकेले उठेगा नहीं आपसे, दिवाकर जरा लग जा। अब ये दोनों मिलकर बर्फ उठा रहे हैं, बर्फ का टुकड़ा उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं। But before that, before the snowfall starts, we'll have to leave this place. Otherwise, we'll be stranded. At that time, yeah. थोड़ा बहुत मैं वही वाला होटल ले लूँगा, ये दूसरा चेक कर लेंगे। तो ये होता है बर्फबारी में एंजॉय करने का मतलब। काफ़ी इंजॉयफुल यहाँ पर सराउंडिंग्स है और हम सारे पार्टनर्स यानी हम चारों पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए दिवाकर को, आइए सर। ओह अभी मैं बताता हूँ। चढ़ गई शादी हुई नहीं काम से चढ़ गई। सर उतने डूब गए। हर हर महादेव। हाय हेलो। अबे मुंह पे मारा है तुम, मुझे फीली कैसे लगी? ओके सुनो इधर फोटो खींच। अरे इसमें है ना। चलो कैसा लग रहा है रोहित जी आपको? फीलिंग एक्साइटेड बस एग्जॉस्टेड। तो क्या सुबह से ब्रेड ऑमलेट के चक्कर में आप घूम रहे हो? मिला नहीं क्या ऊपर खलिया टॉप पे ब्रेड ऑमलेट मिलेगा आपको? मिल तो गया मगर फिर भी। तो यहाँ पर पैदल चलने में ही मजा आ रहा है, बाइक से तो काफी परेशानी हो रही थी। थोड़ी सांस फूल रही है और काफी सूथिंग है, इतना बढ़िया माहौल है। मारो बर्फ इतना हार्ड नहीं है। तो ये देखिए पूरा बर्फ का चादर और यहाँ के पेड़ पौधे भी आदि हो चुके हैं। पेड़ पौधे भी है, उन्हें पता है कि भाई विंटर में बर्फबारी होगी तो हमें नुकसान पहुँचेगी, फिर समर सीजन में और रेनी सीजन में फिर हमारी बल्ले बल्ले। और ये हम जरा ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिवाकर तो डूब ही गया। सो फ्रेंड्स हमारी मस्ती पूरी हो चुकी है यहाँ पे, हमने काफ़ी इन्जॉय किया है यहाँ पे, बाइक राइड का भी इन्जॉय किया प्लस पैदल का भी इन्जॉय किया, स्नो का भी इन्जॉय किया। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा वह मंदिर जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, नंदा देवी मंदिर। और नंदा देवी मंदिर जाने के बाद में फिर वी विल बी बैक टू होटल। तो नंदा देवी मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है मुंशियारी का। अब मुंशियारी आप आते हैं तो जो घूमने की जगह है वो है खलिया द्वार, खलिया टॉप है, खलिया टॉप आप जा सकते हैं। देन यहाँ पर नंदा देवी टेम्पल है और यह मुंशियारी पंचाचोली का बेस कैंप भी माना जाता है। मिलाम ग्लेशियर भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है और एक छोटा वाटर क्रॉसिंग। तो मैं यहाँ सेकेंड टाइम आया हूँ, जब पिछले बार जब मैं यहाँ आया था तो उस टाइम में बर्फबारी नहीं हुई थी, हालांकि मैं जनवरी महीने में आया था। बट यहाँ पर ऐसा है कि बर्फबारी कभी भी हो जाती है, विंटर के शुरू में, विंटर के मिडल में, विंटर के लास्ट में कभी भी बर्फबारी हो जाती है। तो यहाँ तो पूरा बर्फ का चादर ही बिछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और बस अब थोड़ी देर में हम अगले 5 से 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे नंदा देवी टेम्पल। और काफ़ी रिवर टेम्पल है, जो भी मुंशियारी आते हैं नंदा देवी टेम्पल जाना नहीं भूलते हैं। और हमारे सामने देख रहे हैं हमारे को राइडर्स हैं रोहित शर्मा, मल स्वराज जो गाजियाबाद से हैं, रोहित शर्मा फरीदाबाद से हैं। तो काफ़ी स्मूथ राइड हो रही है हमारी, यह टूर काफ़ी मेमोरेबल टूर हमारा रहा बिकॉज यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है हमें, तो काफ़ी मेमोरेबल टूर है हमारा यह। और गाइस अगर आप मिलाम ग्लेशियर का ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको विंटर में आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, तो आपको समर सीजन में ही आना पड़ेगा, यानी आपको मार्च अप्रैल मई जून में ही आना पड़ेगा। फिर जून के बाद जुलाई में आप आ नहीं सकते क्योंकि उस समय काफ़ी बारिश होती है और बारिश में लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा काफ़ी बना रहता है।
और ये देखिए पंचाचोली पीक, क्या खूबसूरत व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू। सो दोस्तों हम नंदा देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं, नंदा देवी टेम्पल के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हमें लेना होगा टिकट। तो टिकट हम ले चुके हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम। यहां से करीब 100 मीटर्स के दूरी पे मंदिर है और ये मंदिर द्वार, यहां पर घंटी बजा रहे हैं और हम अपना सामान वगैरह यहां पर रख कर फिर हम माता का दर्शन करेंगे। और यह मंदिर भी 2 दिन पहले ही यहाँ पर खुली है क्योंकि पहले काफ़ी बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद पड़ा हुआ था और मंदिर के चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। सो गाइस, माता का दर्शन हम कर चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल और होटल में जाकर हम अपना प्लान चेकआउट करेंगे कि हमें आज ही वापस निकलना है या फिर हमें आज यहाँ स्टे करना है। तो जो कुछ भी होगा हम अगले वीडियो में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं होटल, होटल में जाकर खाना वाना खाएंगे, फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। बिकॉज अभी करीब 2 बज रहे हैं और यहाँ से आज हम अगर चलते हैं तो पिथौरागढ़ पहुँच नहीं पाएंगे वक्त पे। पहुँच तो जाएंगे पर वक्त पे नहीं पहुँच पाएंगे। और जब आप पहाड़ में आते हैं तो नाइट में आप राइडिंग करना अवॉइड कीजिए क्योंकि नाइट में कुछ भी हो सकता है, किसी भी टर्न पे आपके साथ बुरा हो सकता है, तो नाइट में आप अवॉइड कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो गाइस, ये टूर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा मुनस्यारी टू दिल्ली, जो हम वापस, जो हमारा जर्नी होगा उसका एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।